Good morning everyone, my name is Shikha Dubey. Welcome back to my channel. Today we are going to Triune and it's 8 AM in the morning. I started having shortness of breath. It will take us around 3 hours to reach Triune. Right now we are going to Gallu Devi temple, from where the track will actually start. यहाँ ट्रैक फ्रॉम नॉर्बो हाउस, जनरली लोग वहाँ से गाड़ी करके आते हैं धर्मकोट गल्लू देवी तक, देन दे ट्रैक। बट हम लोगों ने सोचा एडवेंचर डबल होटल से ही करते हैं। तो अभी 1.5 किलोमीटर है धर्मकोट पहुँचने के लिए, उसके बाद 2 किलोमीटर है गल्लू देवी टेम्पल। सो इट्स अ लॉन्ग रूट, आई थिंक मेरे पास 1 hour टू रीच गल्लू देवी। उससे पहले मेरा आई नीड अ ब्रेक। अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है, 800 मीटर भी चले। तो लेट्स गो टूवर्ड्स धर्मकोट। इन ना यार बोलू, 1 किलोमीटर है, 20-25 मिनट पहुंच जाएंगे। यो 100 मीटर्स टू गो, आई एम वॉकिंग लाइक अ रैबिट कछुआ। बस अभी आगे शुरू होने वाला है और होटल से आते आते ही मेरा लाइक ब्रेथलेसनेस एंड ऑल। आई हैव गॉट माई ऑक्सीजाइज मेरा नहीं था, तो आई हैव गॉट अनदर हाइकिंग ऑक्सीजन छोटू सा। इट्स गुड टू कैरी इट, आई नो आई डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, बस सेफ साइड के लिए। कम विद मी, धर्मकोट पहुँचने वाले हैं, देन आई विल शो यू व्हाट आई डू। After 2.5 kilometer of trekking from my hotel to the Norgo house, and from now Dharamkot to Gallu Devi is around 3.5 kilometers. So let's go and continue the track. Already I am breathless and I'm happy that I have covered 2.5 kilometers. Around 35 to 40 minutes it took me. Come, let's go to Gallu Devi. मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ ये बात। मुझे लगता था कि पत्थर होता है तो यू नो स्कैरी होता है, बट मेन रोड्स आर डिफिकल्ट। अदरवाइज नाउ आई एम फीलिंग कम्फर्टेबल। तो पेड़ पौधे हैं तो इट्स नॉट दैट हॉट, एंड मेन रोड में धूप भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। वैसे तो मेन रोड में किसी ने ट्रैक करने को बोला नहीं, बट हमें एडवेंचर डबल करना था तो नॉर्गो हाउस से शुरू कर दिया। अभी आगे जाएंगे, लेट्स सी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट ऑल फॉल्स इन बिटवीन। लेट कम विद अस एंड सी इफ वी फाइंड अ ब्रेकफास्ट प्लेस हियर। आई सॉ समथिंग जो बचपन में ना मुझे बहुत पसंद आती थी, हम लोग इसका बिंदी बनाते थे। ओके डोंट फ्लाई ऑफ, हम लोग इसका बिंदी बनाते थे। लुक एट इट, सो प्रिटी। कुछ वो निकालता है येलो येलो से अपने आप को बचाने के लिए, बट दिस इज लवली। ये हम लोग ना पहले पता नहीं था ना, इसको ऐसे लगा लेते थे, फिर ये येलो येलो छोड़ता था, बदबू मारता है येलो येलो चीज़। आई एम ऑल्सो हाफ पहाड़ी काइंड ऑफ, मतलब हमारे वहाँ भी ऐसे ही पहाड़ से ही है, ये सब चीज़ें मिल जाता है। लोग क्या पागल सोच रहे होंगे मेरे को ना कि जंगली है कुछ भी ना। आई विल थ्रो इट अवे, थ्रो इट माने इसको आई विल लीव हर, और मेल या फीमेल है, बट येलो येलो कुछ निकाल रहा है, थोड़ा सा बदबू मारता है दूर से। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, दैट्स व्हाई एम नॉट टचिंग इट, बट नेचर इज सच ब्यूटिफुल थिंग्स, यू नो देयर आर वाइल्ड बेरीज, रेड रेड कलर के फ्लावर्स है बेरीज, एंड ब्यूटिफुल छोटू छोटू सा बटरफ्लाई बिंदी टाइप, एंड दीज आर लाइक ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो हाफ पहाड़ी काइंड ऑफ, दीज आर स्मॉल टाइम चाइल्डहुड मेमोरीज काइंड ऑफ, यू नो आई डोंट नो वॉट दीज आर, यू कुड सी स्मॉल बेरीज काइंड। इफ एनी वन नोज वॉट दिस इज प्लीज डू लेट मी नो, अगर कोई है यहाँ का। लिसन टू दिस साउंड,
So now this side goes to Naddi and this side goes to Gallu temple. We'll take this road some other day. There is a poem, you know, when there is two divergent ways, we take the one less known or best known. We are taking the one best known right now. Less known, or you can say Naddi Valley, we'll go some other time. This time jo pata hai wahi kar lete hain pura pehle jiske liye aaye hain. Abhi bahut maza aa raha hai serene, matlab there is nothing except this sound. I don't know which animal makes this, or this insect is there which makes this sound. And butterflies, all nature beautiful. जब तक कोई जानवर एंड इंसेक्ट भगवान के पास ना आया, तब तक आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लविंग दिस एटमोसफियर. मतलब बेस्ट फीलिंग. रोड में थी ना, मुझे लग रहा था यू कुड हैव हर्ड माई वॉइस, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ऐसा. नाउ आई एम यू नो काम पॉइस. अब लग रहा है कि ठीक है, चलते रहिए, रास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है. रोड पर लग रहा था कब आएगा गल्लू टेम्पल, कब वहाँ शुरू होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, अगर तुमसे जेल ही नहीं जाते ना, एक्स्ट्रा सामान बैग कैरी करो, ऐसे यहाँ पे ना प्लास्टिक वास्टिक फेंका मत करो. दिस इज़ नॉट, हम यहाँ पे आते हैं बिकॉज वी फाइंड द एनवायरनमेंट, द एयर वेरी फ्रेश एंड क्लीन. ये रहेगा नहीं तो कहाँ से, मतलब जैसा शहर का हाल वो भी गाँव का, यहाँ का भी हाल वैसा ही कर रखो. बैग कैरी करो, पॉलीथीन कैरी करो, कुछ भी कैरी करो. आगे जा के वहाँ पर गल्लू देवी के बाद शायद वहाँ डस्टबिन भी है, वहाँ फेंको. शॉर्टकट टू धर्मकोट, एक्चुअली ये शॉर्टकट है. हमें थोड़ा पहले बताया गया था कंपनी कि हमने कार वाले रूट से आ गए, लेकिन शॉर्टकट है नीचे से, हम 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैक कर लिए. अब कोई बात नहीं, इट वॉज फन. आगे भी है और 1.5 किलोमीटर तो बाकी है. चलो चलते हैं. जो ट्रैकिंग रूट है ना, उसमें ये पहला जॉइंट है, चाय कॉफ़ी जो भी पीना है आपको. तो धर्मकोट के बाद गल्लू देवी से पहुँचने से पहला मुझे जॉइंट मिला है यहाँ पर. इफ यू वांट दिस देन यू कैन टेक अ ब्रेक हियर, बट हमारा डेस्टिनेशन आगे है. हमें देख रहा है ये या ये, हाँ हाँ जॉइंट दिखने लगे ऐसे. वहाँ से 1.5 किलोमीटर नहीं था, 2 मोड़ ही थे, पहुँच गए एग्जैक्टली अराउंड 5.7 किलोमीटर चल चुके हैं. और गल्लू देवी से 6 किलोमीटर चलना है. 8 बजे शुरू किया था, अभी 10 बजने वाले हैं. 2 घंटा आए और 2 घंटा और ऊपर जाना है. इट्स एन अचीवमेंट बाई सेल्फ. लोग यहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर रहे और हम लोगों ने 2 घंटे का पूरा ही कर दिया. लगा नची अब मैंने दिखा दिया कितना मैं चली हूँ. अच्छा झूठ तो मैं बोल नहीं रही हूँ. और हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं ले रहे बिकॉज हमें लगा कि आगे जहाँ पे चल सकते चल लेते. एक डंडा बस किराए पे लिया है 100 रुपये. यहाँ पे एंट्री में ना, यहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है आपको. आधार कार्ड इज कम्पल्सरी, मैं तो ला नहीं रही थी, आधार कार्ड लेके आई तो अच्छा बात हुआ. नाउ आई कैन एंटर. भैया बिना आधार कार्ड के नहीं चलता, कोई भी आईडी चलेगी. अच्छा अच्छा, कोई भी आईडी चल जाएगी. मुझे हमारी ना दिल्ली में पिचकावा मिलता है, यहाँ पे ऐसा फूल गया है ना. स्टार्टेड द ट्रैक फॉर ट्रिब्यून एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डे ट्रैक कर रहे हो तो 11 बजे यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है. एंट्री के लिए आधार कार्ड, कोई भी ऐसा चीज़ जो यू नो पक्का सबूत है, आईडी प्रूफ लाना ज़रूरी है. एंड स्पीकर लिकर और कोई सिगरेट विगरेट ये सब चीज़ें ऊपर अलाउड नहीं है, तो वो सब लाइएगा मत, वो चेकिंग करते हैं. एंड अगर आप स्टे वाला ट्रैकिंग कर रहे हो, मतलब इंदिरा पास तक ट्रैकिंग कर रहे हो जो 4 वाला कैंप वाला है, तो आपको 2 बजे तक अलाउड है. जॉब दिल्ली में करते हो? हाँ. कहाँ पे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ. अच्छा अच्छा सही. चलो ठीक है, हैप्पी जर्नी. यू टू, हैव अ गुड स्टे. दिस इज द स्टार्टिंग. ऑफिशियली तो वहाँ से शुरू हो गया था, बट जो ये स्टेयर्स है मुझे लगा माउंटेन टाइप्स हो रहा है, बट दिस इज मोर लाइक पत्थर वाले स्टेयर्स अभी फिलहाल तक.
एंड ये सब नाइन्थ स्टे करने जा रहे हैं स्नो लाइन तक, जो बोल रहे थे कि ट्यून से 2 घंटे ऊपर है। पक्का श्रीनगर रहता हूँ यार, ट्रक चलाते ना पहाड़ी इलाके में रहता हूँ, कभी हुआ ही नहीं, हो जाता है थकान ना, रात भर सोए नहीं होंगे, 8-9 किलोमीटर की सुरंग है उधर, कई बार रात रात बैठे रहते हैं हम, जाम लगा रहता है। पानी का बोतल है? हाँ वो आगे आ गया, आगे क्या आगे आ गया, वो कोई ना ले लो आप, नहीं नहीं हमें तो आगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। नीचे अभी कितना दूर है ही नहीं। हाँ। सो ऐसा वीडियो के लिए नहीं, वो हम आ रहे थे, पर मैं बताना चाहती हूँ जो आज मैं सामान लेके आई थी ना, बहुत हेल्पफुल था, अभी ले आई है अपने लिए, किसी और के लिए, सबके लिए, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, पानी का बॉटल, क्योंकि नीचे भैया रात भर सोए नहीं, ट्रैक पे आ गए थे, मैंने बोला साफ साफ नीचे जरा ऑक्सीजन में, ऑक्सीमीटर में 31-32 हार्ट बीट और ऑक्सीजन, हमें समझ नहीं आया हम क्या करें, डॉक्टर तो है नहीं, तो ऑक्सीजन जब दिया फटाक से 98 हो गया, अलार्म मिल जाता हमें कि हमें अब और आगे नहीं करना चाहिए, और ट्रैक में आओ तो अच्छा ब्रेकफास्ट करके नींद पूरा कर दी, भैया रात भर सोए नहीं फिर ट्रैक में आ गए, एक बात अब उनका ऑक्सीजन लेवल कम देख के, लेटा हुआ देख के ना, मेरे को मास्क पहनने का ध्यान ही नहीं रहा, मैं ऐसे ही उनको सारा कुछ जो हेल्प कर सकती थी कर लिया, अब मैंने उतार के सब कुछ सैनिटाइज़ किया है, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, मेरा हाथ एटली पूरा सैनिटाइज़र अपने ऊपर, ये वाला मैं लेके घूमती हूँ, पूरा खाली कर दिया यहाँ, तो यस वो थोड़ा सा मुझे डर के मारे में भूल ही गई कि कोरोना वायरस टाइम में मुझे होता ना कितना जान जोखिम में, तो अब रियलाइज़ हुआ तो हम लोगों ने पूरा डंडा वंडा सब कुछ सैनिटाइज़ किया है, तो अगली बार आपको ऐसा सिचुएशन में मिले तो पहले वेयर योर ओन मास्क, पहले सेफ्टी, हमें ना वहाँ जाना है मैजिक व्यू पर, हमें पानी वहाँ मिलेगा, एज हमने अपना बॉटल ले दिया था किसी और को, तो हमें पानी के लिए वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। सो वी हैव रीच मैजिक व्यू पॉइंट, यहाँ से धर्मशाला दिखता था बट पेड़ पौधे आगे अच्छी बात है अब दिखता नहीं है, मिल जाएगा क्विक ब्रेक, 2 बोतल पानी और इनके अगर मुझे कुछ खाना हो, पर वैसे मैं एप्पल लेके आई हूँ जुगाड़, ड्रिंक रास्ते में देते देते ना आप बच्चा दिए कुछ, तो देखते क्या मिलेगा। सो दिस इज़ द मैजिक व्यू पॉइंट, यहाँ से मेरे को लगा वहाँ से था, एंड यहाँ पे नो सेल्फी नो म्यूजिक बिकॉज आई थिंक फॉर प्रिकॉशंस, ताकि लोग यहाँ पे सेल्फी लेटर निकलना जाए। हमने 2 पानी बोतल साइड वाली दुकान से ले लिया बिकॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन बोथ द शॉप्स लिमिट, एस इज ट्राइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो आई एम हैविंग माई हॉट मैगी इन मैजिक व्यू पॉइंट, और साथ ही चाय भी ऑर्डर किया है, एंड वी आर कीपिंग इट लाइट बिकॉज ट्रिप में भी देखते हैं क्या क्या मिलेगा, सो दिस इज माई फर्स्ट बाइट ऑफ माई हॉट मैगी। ब्रेकफास्ट में थोड़ा कम ही खाया था, सो आई कैन हैव दिस मैगी, हॉट एंड स्पाइसी एंड डिलीशियस। वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम मैजिक व्यू पॉइंट, हमें 3 किलोमीटर और ऊपर जाना है, और एक डॉग जो हम लोग को साथ साथ फॉलो कर रहा है, आई एम नॉट दैट फ्रेंडली ऑफ पर्सन विद डॉग्स, थोड़ा डर लगता है बट ही वोंट स्टॉप। तो जो ये हमारे साथ ना जाने का कसम खा लिए, हम बैठ गए वो भी बैठ गए, इट्स बीन 15-20 मिनट्स ही इज़ कंटिन्यूसली विद अस, हम अगर बैठ ही जाए ना, एंड आई हैव नॉट गिवन हिम एनी फूड टू फॉलो अस,
लगता है खाकी दादी अपनी बहनों का अच्छा करता है, मेहमानों के छोड़ते नहीं है। मैं बोली कोई नीचे जा रहा है उनके साथ चला जाए, नहीं अच्छा ही है, कुछ अच्छा ही बात होगा ना। बस हमारे दिल्ली वाले जैसा ना हो निकले, वो प्यार जताते नहीं है, छीन लेते प्यार। डोजो एक कैमरा में लिख हाय बोल, नहीं बोलेगा हमसे इसे प्यार, ठीक है हमसे इसे। डॉजो ने हमारा साथ छोड़ दिया क्योंकि उसको मिल गया अपने झुंड, और वो आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। बस उसके बगल में और ह्यूमंस भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, वैसे वो भी चार उनके झुंड और चार इनके, दोनों झुंड नज़ारे देख रहे हैं। बुरा ना मानो, अपने अपने चॉइसेस वगैरह भी अंदर से ना, आप इतना दूर ट्रैकिंग करने आते हो एंड देन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल स्मोकिंग। I think we are almost there. Maybe more half an hour because I met someone who said 15 minutes. I don't know. पहाड़ में पता नहीं चलता। So let's hope half an hour. We'll take our last stop maybe or second last. भाई ऐसे तो ठीक लगता है, ऐसे थकान भी हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पत्थर हो जाता है। And पत्थर are at height. This is not plain, but otherwise they height are like this. यहाँ से आपको इतना क्लाइम करना पड़ता है। It is 2:15 and just now somebody said it's 10 minutes. I swear, agar 10 minute nahi hua na agli baar main kisko puchna chhod dungi. Hotel se checking karne na maza ludi. Ab baaki log bahut aaram se chal rahe the, itne gallery bhi pakad liya. Humne ab wapas utar ke hotel tak jaane wale, dedication matlab main khud surprise ho gaya. Humne chala aaja. Wow. About to witness दैट सीनिक व्यू जिसके लिए हम 7-8 घंटे कितने 8 बजे सारी 2:30 बज गए होंगे, 3 बज गए तब तक हम जो चले हैं ना व्यू देखने के लिए, बिकॉज ऑफ क्लाउड्स आज दिखेगी नहीं इतनी बढ़िया, लेकिन चलो दिखा दें आप लोगों को। सो दिस इज़ द प्लेस ट्रियूंड। यहाँ से ना डॉलर रेंजेस दिखते हैं, मतलब माउंटेन्स दिखते हैं। आज अभी धूप आई है, अदरवाइज यू सॉ द वेदर हाउ इट वॉज, मतलब ऊपर और भी है, इट्स लाइक ह्यूज प्लेस, मेरे पास एनर्जी नहीं है कहीं जाने के लिए। आई एम हैविंग दाल चावल, यहाँ पे तभी फिलहाल एक ही दुकान है, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, गर्म है अभी खाने में थोड़ा टाइम। माँ के हाथ का दाल चावल, भूख लग गई थी, मैं मैगी उतना नहीं खाती हूँ। सो वी हैव रीच्ड एंड यहाँ सामने से वैसे तो पूरा डॉलाडर रेंजेस दिखते हैं, बट ड्यू टू क्लाउड्स आज दिखे नहीं, बट आई स्वेयर इतना एफर्ट के बाद अगर यहाँ के ना ये भी देखने को मिलता है मुझे बहुत है, मतलब आई जस्ट एंजॉय द ट्रैक। बहुत टायरिंग होता है, बट इट्स फॉर एवरी वन, इट्स नॉट फॉर यू और मी, इट विल बी फॉर एवरी वन। और ऐसा नहीं है कि यही दी एंड है और यहाँ तक ही ट्रैक करना होता है, पीपल गो अप टू इंद्रहार पास, इसे 3 और कैंप करके जाते हैं, वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करते हैं नेक्स्ट डे और या तो 1-2 दिन में आते हैं, बट हमारे लिए तो यही बहुत है। आई विल एंड दिस हियर एंड ट्राई टू एन्जॉय लिटिल बिट जो इतना एफर्ट डाला है 6-7 घंटे का जो भी है। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट एंड एफर्ट।
प्लीज लाइक एंड ऑल्सो शेयर. इट्स अराउंड गोइंग टू बी 7 o'clock एंड वी आर गोइंग बैक. वाइल गोइंग बैक वी फाउंड रेन, सो मेरा छाता काम आया.